हेलो गाइस, वेलकम इन टू आवर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो अभी लेटेस्ट में आपका एमपी पटवारी के एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और उसकी हम कट ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे कि कैसे किस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली हुई हैं, और तो कट ऑफ भी हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जाएगी। वो आप पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दिया होगा उसी बेसिस पे उसकी कट ऑफ भी इंक्रीज होगी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो चलिए देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ कैसे रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज की बात करें, जो एमपी पटवारी की जो टोटल पोस्ट थी वो 9,235 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई थी। इसका जो एग्जाम हुआ वो 9 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इसका जो कट ऑफ रहेगी वो एक नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे रहेगी, क्योंकि जो इसके एग्जाम है वो कई सारे डेट पे अलग अलग हुए हैं, तो जिसको फाइनल इसकी जो मेरिट आएगी वो नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे आएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी कट ऑफ कितनी। सबसे पहले हम ओवरऑल इसकी कट ऑफ पे ध्यान देते हैं कि इसकी ओवरऑल कट ऑफ कितनी होगी, इसके बाद हम इसकी हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी कट ऑफ देखेंगे कितनी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की अगर ओवरऑल बात करें तो जो मेल की रहेगी वो 75 प्लस के समथिंग रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और फीमेल की जो रहेगी 72 प्लस रहेगी फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो मेल के लिए 71 प्लस रहेगी एंड ओबीसी के लिए आपकी 68 प्लस रहेगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए 67 प्लस रहेगी, एससी कैटेगरी के लिए 63 प्लस रहेगी एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए रहेगी 61 प्लस एंड 57 प्लस फीमेल कैटेगरी। तो ये आपकी जो ओवरऑल अगर लिस्ट है तो ओवरऑल इन जो आपकी हर एक डिस्ट्रिक्ट की अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, आपकी ओवरऑल हर एक डिस्ट्रिक्ट की हमने बात की। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ है वो आपकी डिफरेंट होगी। तो चलिए हम बात करें। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपकी हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज की कट ऑफ नहीं बताऊंगा आपको, ओनली मैं हर एक की प्रॉपरली एक एक स्क्रीन में नोट रहेगी। आपका जो शहर है वो वहीं पे आप अपने वीडियो को पॉज करके अपने डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ देखिए और अपने जो मार्क्स उससे मैच कराइए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपके यहाँ पे जो जिन डिस्ट्रिक्ट के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से एंड सी से, तो ये उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम की मैंने, तो गाइस जिनके डिस्ट्रिक्ट के नाम ए बी एंड सी से स्टार्ट हो तो यहाँ पे पॉज करके वो इस वीडियो को अपनी कट ऑफ मैच कराएं। आगे बढ़ते हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट के नाम डी जी एच आई एंड जे से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ ये यहाँ पे मेंशन है, तो गाइस जिनके इन अक्षरों से स्टार्ट हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नाम तो वीडियो को पॉज करके देख लें अपने डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ। आगे आते हैं, जो आपके रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है उनकी कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। देन नेक्स्ट आते हैं, तो ये आपकी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ हमने यहाँ पे बता दी। गाइस इस तरह से आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में हमने बात की। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो एमपी आपके मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके नोटिफिकेशन आपके जो सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो भी आए उसके बारे में हम जो भी वीडियोज यहाँ पे बनाए जिसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके गाइस, ये अभी हमने बात की आपकी जो एमपी पटवारी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ कैसी जाएगी, तो इन सब के बारे में यहाँ पे बात किया। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहा हो तो आप हमारे नीचे सिंपल कमेंट बॉक्स में जाइए और उस पर कमेंट करिए, हम प्रयास करेंगे उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम जो भी आपके लिए एमपी पटवारी से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करें जिसका आपका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आपका जो बेनिफिट्स उसका ले सकें। ओके गाइस, थैंक यू।